बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। शहनाज घर में अक्सर अपनी स्टोरीज बताती हुई नजर आती हैं कि कॉलेज टाइम में क्या हुआ था, कैसा उनका फैमिली के साथ रिलेशन है। और अब उन्होंने एक और इंसिडेंट बताया कि कैसे उनके कॉलेज की लड़की जो हमेशा फर्स्ट आती थी और हमेशा शहनाज को परेशान करती थी, और जब शहनाज शूट वगैरह करने के लिए गई तो किस तरीके से लड़की उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आई। तो पारस छाबरा इस पर उन्हें कहते हैं कि सही बात है शहनाज, हर कुत्ते का दिन आता है और तेरा भी दिन आ गया। और शहनाज कहती हुई नजर आती, तेरे लिए क्या मैं कुत्ती हूँ। दरअसल ये बात उस वक्त की होती है जब सिद्धार्थ, पारस, विशाल और शहनाज गार्डन एरिया में बैठे बातें कर रहे होते हैं। शहनाज बताती है कि उन्हें बीपीए करना था लेकिन उनके मम्मी पापा ने उन्हें बीकॉम करवा दिया। शहनाज बताती है तो वही कॉलेज में एक बिल्ली अक की लड़की थी और मुझे बिल्ली अक के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा कोई ना कोई पंगा खड़ा कर देती थी मेरे लिए। शहनाज बताती है कि वो लड़की हमेशा फर्स्ट आती थी लेकिन मुझे एक बार शूटिंग करने के लिए वही कॉलेज में जाना था तो वहाँ पर मैं गई तो लड़की वहाँ पर मौजूद थी, तो वो लोग जो अक्सर मुझे परेशान करते थे वो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आए। शहनाज की इस बात पर पारस छाबरा कहते हुए नजर आए कि शहनाज ये तो वही बात हो गई कि हर कुत्ते का दिन आता है और तेरा भी दिन आ गया। शहनाज इस पर कहती है, पारस तेरे लिए मैं कुत्ती हूँ। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।